नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ड्राइविंग के दौरान आपको अपनी गाड़ी के मिरर को किस पोजीशन पे रखनी चाहिए ताकि आप सेफ रहें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रियर व्यू मिरर, जैसे कि यहाँ ये ड्राइवर सीट के ऊपर में मिडिल में जो होता है वो रियर व्यू मिरर कहलाता है। और यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं कि पीछे बिल्कुल व्यू क्लियर नज़र आ रहा है रोड का। एंड उसके बाद में राइट साइड वाले मिरर पे देखिए, ये इस पोजीशन पे होनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि आपकी गाड़ी का जो बैक पोर्शन है वो 30% इस साइड मिरर, राइट साइड मिरर से आपको नजर आए, ठीक है। एंड बाकी का जो पोजीशन होता है वो आपको इस तरह से सेट करना, 30 गाड़ी का बैक का बॉडी और 70 पीछे का सिनेरियो। तो इस तरह से आपको अपनी गाड़ी के मिरर को सेट करना पड़ता है ताकि कभी जब आप ड्राइव करते हुए अपने लेन को चेंज करते हैं या सडनली कुछ करना चाहते हैं तो आपको ये पहले से ही अलर्ट मोड में डाल देता है कि आप देख सकते हैं पीछे कोई नहीं आ रहा है, तो हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं लेन को। अदरवाइज क्या होगा, पीछे अगर कोई रहे तो आपको मिरर पे दिखाई देने लगता है, जिससे आप समझ जाते हैं कि नहीं अभी हमें चेंज नहीं करना है। और ये देखिए, इस मिरर से आप देख सकते हैं पीछे लोग आते हुए देख रहे हैं, यहाँ से देखिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, मिरर को सेट करें और रोड पे सेफ रहें।